रोटी पाई है क्योंकि उन्होंने रोटी जी ना वो लाजमी पाई दी है सुबह सुबह सारे बहन भाई रमजान मुबारक हो माशाल्लाह कल पहला रोजा उसी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल ते किसे बहन भाई ने आज नाश्ता करना था जो लेकिन कल तो बाद तो फिर इंशाल्लाह रोज़ा मुबारक उसकी क्योंकि सारी फैमिली माशाल्लाह से रोज़ा रखना है अल्लाह के हुक्म नाल छोटे सुफियान अदर भी आख्या मैं भी रखना है हाँ जी उन्हें कह जी असी अजे ना सुबह मैं भी पापा के नाल ही रोज़ा रखना क्योंकि उन्होंने रोटी जी है ना एक मैं बाद पकाई दी है तो फिर ना चिड़िया बोर के ना इन्हें पा के तो रख देवे क्योंकि भाई माशाला साढ़े को चिड़िया बहुत ज्यादा आदि और एक भाई ने कमेंट भी दसिया कि माशाला तो घर चिड़िया बहुत ज्यादा है तो माशाला क्योंकि साढ़े सुबह ना उठन तो भी पहला साढ़े चूल्हे उत्ते काफ़ी सारिया बैठी होंगे चिड़िया भी कां भी माशाला काफ़ी सारे आते हैं और जी मैं है ना मैं बिल्ला ना जा उन्होंने रोटी जी है ना बोर के पा के पानी पा के खुराक देनी होंगी हाँ जी तो माशाला नाश्ता करके जी असं आ गए हूँ आप दी ड्यूटी ते जी क्योंकि असं फिर जो ना एक मजदूरी करनी होंगी तो बेगम साहबा जी ना वो तंदूरी ला रही है क्योंकि असं नाश्ता करके ना सुबह सुबह साडा रोज़ यही काम है क्योंकि साड़ी मेहनत है असं यही करनी होंगी तो यही खानी होंगी इस वजह से ना फिर हूँ असं टाइम नाश्ता करके असं आ गए बाहर हूँ इंशाल्लाह कोई लिंबन वाले है वो भी लिंब लवेंगे तो जोड़े है तैयार करने वो भी तैयार करके पोचा मार लेंगे हाँ जी उतों दोबारा रंग मारांगे जी एक बार इस तरह लिंबिया गई तो फिर रंग मारांगे जी फिर अल्लाह पाक रोज़ी देगा कोई ना कोई जो ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे तो और भाई सफदर भी माशाल्लाह अपनी दुकान पर सुबह सुबह जो ना खड़े हैं वो भी अपना कर रहे हैं हर इंसान ही सुबह सुबह फिर अपना रोज़ी दबाने निकलीदा है क्योंकि साड़ा कोई और जो वसीला नहीं है और भाई सफदर जो ना माशाल्लाह सारी इधरों सफाई करके बाहर आने जो गत्ता वगैरह है वो बाहर सिट रहा हाँ जी फिर सुबह सुबह नाश्ता किया नाश्ता करके सुबह सुबह जो है ना अल्लाह पाक खैर कर सी हाँ मुंगर रेत ले आंदा है भाई सफदर जो है ना काम भी कमरे का बिल्कुल शुरू है जी और लग रहा फर्श भी तो जरा ना साडा तो पलस्तर भी हो रहा है और भाई मिस्त्री साहब जो है ना वो अंदर है बना रहे हैं सीमेंट और एक चन्ना जी ना अद्धा मुकम्मल कर लिया उपरों उपरों जी आ सारी छाप लग गई है तो थले जोड़ा थले हिस्सा जी हूँ मुकम्मल हो जाए तकरीबन शाम तक जी ये प्लस्तर भी हो जाती इंशाल्लाह और मिसाला जी अपने आप है माशाल्लाह भाई आवे तेरे हाथ की सफाई और तरीके की है थले नहीं डिगद हाँ जी मिट्टी असी कल बेही है ना हूँ कटते पे कट के बाहर दो चार तंदूर जो बन गए क्योंकि मोहन साढ़े खत्म हो गई होना अभी मोहन लैंड में जाना है वो मिलती पैसे ना भी नहीं पाई सफाई पी है और कोई मोहन खत्म हो गई मोहन लैंड जाना है की करिए मुझे सारे हिसाब किताब ना ही चलते हैं वो भी एक बड़ी दूरों जहाँ मिलती एक दिनों थोड़ी मिल गई किधरों ज़्यादा मिल गई इसी तरह इकट्ठी करद करते हैं थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करती है करी दी है फिर मिल तो जाए ना इकट्ठी तो फिर बंदा रह लेता वो किसी घर को दो चार किलो मिलती किसी को पाँच किलो मिल गई इस तरीके ने फिर ले आई दी है थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके बस जी बस एक पूर और दुनिया इन दिन थोड़ी जी मिट्टी है दो चार तंदूर निकले इन दिन ज़्यादा कोई नहीं मैं फिर रल मिल के बना लेने फिर मैं जाना मोहन लैंड वास्ते कोई हिसाब किताब कोई लग गया था मोटरसाइकिल भी कोई नहीं मांगे भाई सब तरह गया सौदा लैन वास्ते बाहर अपना समान तो इस वास्ते
अचानक जाना पै गया, कुछ मौसम भी खराब है, हुण जिहड़ा काम है ना वो फिर आके वेखांगी जिहड़ा कि होया। तो चलो अज फिर भाई नाल ही रहना है अम्मी कार लाई है जी, अचानक परेशानी बन गई भी खैर हो गए, वाहवा तबीयत खराब है अम्मी की, वजह तो चलिया जी शहर न। मैं आख भैन भाइयों दस लीए जी असं, क्योंकि काम तो साढ़ा जब पिछे रह गया, कर ही नहीं सकते क्योंकि वो मिट्टी वगैरह बनाई है जी, तंदूर बनाने से बारे जिस तरीके रब मंदूर हो। समुद्री रोड तो आ गया मेन रोड से, हूँ जी चलें समुद्री, तकरीबन अद्धा पौना पौना घंटा लग जाना जी सू जाते हो। अलहमदुल्ला जी अल्लाह पाक खैर ना लै जाए, जगह भी खैर कितनी हो गए, बहुत परेशानी बढ़ गई अचानक पहुँचे आया। अगे सफर रह गया जी सिर्फ 6 किलोमीटर का, साढ़े को 30 किलोमीटर बढ़ता है जी घरों निकल लगे। पहुँच आया माशाल्लाह शहर, अलहमदुल्ला पहुँच के दुकान जी मुलाकात करने और घर पहुँच आया। बेगम साहब भी जी अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी चलिया जी अंदर। हाँ जी, तो माशाल्लाह अम्मी तो जी दवाई लैके आ गए, तो अम्मी जी हैं बिस्तरे में पे, तो बेगम साहब जी उन्होंने को भी। हाँ जी, तो बड़े ही परेशान हो गए से, अचानक कॉल आई जी उन्होंने। ठीक है जी, एक नहर ते रुक गए जी, क्योंकि जो रस्ते से आए शार्टकट रस्ता है जी समुद्री शहर वालों, तो नहर के नाल जंगलात भी जी माशाल्लाह बड़ा ही बड़े बड़े दरख्त, और इतनी बड़ी नहर है जी, देख लो कितना शोर है इसके पानी का जी, और कितनी तेजी का बहाव है। तो बेगम साहब भी जरा ना गौर ना वेखी जाती है कि वेख रही है। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह पाक बेहतर कर सी, कोई नहीं। इतना प्यारा माहौल है जी, सूरज भी जी हूँ जो उतरने वाला बदल की वजह तो जो है ना वो ढकया पिया जी। थले देखो जी इतने बड़े बड़े दरख्त, और ये माशाल्लाह खजूर के दो दरख्त हैं जी बड़े ही गहरे, और साइडा ते जी नहर के नाल नाल बड़े 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 दरख्त जी, पुराने दरख्त खड़े हैं, बहुत ही पुराने कई साल। माशाल्लाह शाम हो गई, असं पहुँचे हैं घर आप दे पेंट दे हूँ जाके दरवाजे जी, हूँ पहुँचे जी शाम हो गई घर पहुँचे आया, तो जाके भाई मोटरसाइकिल वाला भी आया बैठा जी, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ,
जिंदगी ਹੁਣ ਬੈਣਾ ਬਾਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤਮਾਮ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਣਾ ਬਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤੀ ਹਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਣਾ ਬਾਈਆਂ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਲਦ ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।